अब दिल की तमन्ना है तो ऐ काश यही हो, आंसू की जगह आंख से हसरत निकल आए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मुलायम सिंह यादव के दिल की तमन्ना इस वक्त शायद यही होगी कि उनकी आंखों से आंसू की जगह हसरत निकल जाए। हसरत सपा को दोबारा सत्ता में लाने की, हसरत सपा का सुप्रीमो आजीवन बने रहने की, हसरत हमेशा के लिए राजनीति का पहलवान बने रहने की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस्ताद को चेले से ही पटखनी मिल गई है। सपा के दंगल में अखिलेश यादव ने अपना बाहुबल साबित करते हुए दिखा दिया है कि इस दंगल के सुल्तान फिलहाल वे ही हैं। क्या होगा समाजवादी पार्टी का भविष्य? क्या पार्टी दो फाड़ होगी? क्या यूपी के चुनाव अब पंचकोणीय होंगे? ऐसे कई सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं देशबंधु के उत्तर प्रदेश ब्यूरो प्रमुख रतिभान त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान का अंत नजर नहीं आ रहा है। कई राउंड की बातचीत हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। सुलह के फार्मूले पर दोनों पक्षों के नेताओं में सहमति बनाने की कोशिश होती रही। बताया जा रहा है कि अमर सिंह ने मुलायम से कह दिया है कि वह सुलह के लिए पीछे हटने को तैयार हैं और वह त्यागपत्र दे देंगे। वहीं शिवपाल भी राष्ट्रीय राजनीति में जाने को तैयार हैं। शिवपाल ने यहां तक भरोसा दिलाया है कि दोनों लोग ही पद त्याग देंगे, लेकिन नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लौटा दिया जाए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब पर अखिलेश तैयार नहीं है। अखिलेश यादव शिवपाल खेमे के आगे कतई झुक नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 229 विधायकों में से लगभग 212 उनके साथ हैं और अपनी ताकत का पूरा एहसास उन्हें है। रतिभान जी, क्या यह माना जाए कि राजनीति में असल बाहुबल पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच समर्थन से आता है और इसमें बाजी अखिलेश ने मार ली है? मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकसी चल रही है उसमें दो किरदार है, अहम किरदार है। एक तो है मुलायम सिंह यादव और दूसरे अखिलेश यादव। दोनों अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पहलू, कानूनी और पार्टी के संवैधानिक पक्ष है वो मुलायम सिंह यादव के साथ है, लेकिन जो जनशक्ति है वो अखिलेश यादव के साथ है। जैसा कि कल चुनाव आयोग को पेश किए गए हलफनामे में जाहिर होता है कि 5131 उम्मीदवार डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि, राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, वो उनका सबका हलफनामा व्यक्तिगत तौर पर रामगोपाल यादव जो अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े हैं उन्होंने वो पेश कर चुके हैं चुनाव आयोग में। उन्होंने सपा के 229 विधायकों में से 212 विधायकों के हलफनामे और 68 MLCs में से 58 MLCs के हलफनामे भी चुनाव आयोग को दे दिए हैं। लेकिन ये रस्साकसी अभी जारी है। आज भी जनशक्ति के तौर पर अखिलेश ही ताकतवर हैं। तो अब ऐसे में ये कैसा, जैसा कि आज ताजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम सिंह यादव ने अभी भी ये कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं और रामगोपाल यादव चूंकि निकाले जा चुके हैं पार्टी से 6 साल के लिए, लिहाजा वो सम्मेलन बुलाने के अधिकारी ही नहीं है। और वैसे भी पार्टी, समाजवादी पार्टी के संविधान के तहत सम्मेलन बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है और वो मुलायम सिंह यादव को है और वो बिना लिखा पढ़ी की या लिखित अनुमति के नहीं। अगर जिस तरह से किरण मय नंदा ने राष्ट्रीय उस सम्मेलन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उनको भी निकाला जा चुका है। किरण मय नंदा को भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं, चूंकि वो अध्यक्ष की अनुमति से ही वो अध्यक्षता कर सकते हैं जब तक अध्यक्ष की लिखित अनुमति होगी। ऐसे में कानूनी तौर पर मुलायम सिंह यादव पुख्ता हैं और शायद यही वजह है कि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें वो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा पेश किया था और इधर अखिलेश खेमे की तरफ से रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा ठोकने दूसरे ही दिन चुनाव आयोग पहुंचे। रामगोपाल यादव ने 212 विधायक, 15 सांसद और 56 MLC की लिस्ट के साथ 1.5 लाख पन्नों के दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे और आयोग को बताया कि असली समाजवादी पार्टी वही है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। रतिभान जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी दो फाड़ होगी? अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में अलग अलग उतरेंगे, तब तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पंचकोणीय हो जाएंगे। दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि ये जो सुलह का सिलसिला जारी है पहलू तो कमजोर दिख रहा है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने कुछ दोस्तों के बीच ये भी बात कही है कि मैं क्या करूं, आखिर वो मेरा बेटा ही तो है।
तो उनकी ये भावना समर्पण या सरेंडर की भावना है, हो सकता है वो अपने बेटे के सामने सरेंडर कर दें और वो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और ये चुनाव के संचालन का पूरा अधिकार पूरा जिम्मा वो अखिलेश यादव को दे दें। एक तो बात ये हो सकती है। दूसरी बात, अगर दोनों चुनाव चिन्ह के ही पूरी मशक्कत है, चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल लोकप्रिय चुनाव चिन्ह है पार्टी का, अगर दोनों पक्ष झगड़ते हैं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाएगा, इन दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा जिससे दोनों को भारी नुकसान होगा। भले अभी जो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था समाजवादी पार्टी भाजपा और बसपा के बीच, वो पंचकोणीय बदल सकता है, लेकिन उसमें भी जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसके हिसाब से अखिलेश यादव बेहतर स्थिति में रहेंगे क्योंकि पार्टी का अधिकांश हिस्सा उन्हीं के पक्ष में है। तो चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश दोनों खेमे से चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर बहुमत पेश करने को कहा है। आयोग ने दोनों धड़े को 9 जनवरी का वक्त दिया है और इस दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 9 जनवरी को दिल्ली में अखिलेश यादव और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच होने वाली मुलाकात के दौरान गठबंधन को लेकर बात हो सकती है। राहुल गांधी के साथ होने वाली बातचीत में प्रियंका गांधी के मौजूद रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो रतिभान जी, अगर अखिलेश की सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता है, वहीं दूसरी ओर मुलायम की सपा अगर चुनाव लड़ती है, तब क्या समीकरण बनेगा? क्या तब भी अखिलेश को फायदा होगा? जी राजीव जी, मैं एक आपको खास बात बता दूं कि अखिलेश यादव ये नई परिस्थिति पैदा होने से पहले ही कांग्रेस से समझौते की बात कर रहे थे। वो कहते थे कि कांग्रेस से अगर समाजवादी पार्टी का समझौता होता है तो 300 सीटें से हम लोग जीत कर आएंगे। इसका मतलब उनके मन में पहले से कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि उन्हें पार्टी को लीड करना है। हो सकता है ये गया खुद लीड कर सके या फिर अलग होकर लीड करना पड़े। तो परिस्थिति लीड करने की आ गई है, उनको अलग होने की स्थिति बन गई है और अगर होती है तो समझौता होता, निश्चित रूप से कांग्रेस के जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ मुसलमान कुछ बचा रह सकता है और कुछ गैर यादव वोट भी, जो यादव वोट है, हो सकता है अखिलेश के पक्ष में ज्यादा रुका रह जाए। लेकिन बंटवारे के हालत में दोनों यादवों का वोट, जो उनका बल्क वोट है, वो बटेगा, मुसलमानों का वोट पूरा खिसकने की आशंका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के दोनों धड़े कमजोर के कमजोर ही रह जाएंगे। कांग्रेस से मिलने के बाद अखिलेश यादव के पक्ष की स्थिति कुछ ठीक हो सकती है, ये लगता है प्रारंभिक रूप से। आगे रणनीति और परिस्थितियां क्या बनेगी ये वक्त बताएगा। ठीक है जी, ठीक, ओके ओके, थैंक यू। परिवार में यह फूट सचमुच है या इसके पीछे मुलायम सिंह की ही रणनीति है, यह तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश अपनी चालें चल रहे हैं उससे वे सही अर्थों में मुलायम के ही वारिस साबित हुए हैं। कहा जा सकता है कि अखिलेश उनकी विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अब चाहे वह आने वाले चुनाव में हारें या जीतें, वह मुलायम सिंह की विरासत के ही सही उत्तराधिकारी हैं। साम दाम दंड भेद हर तरह से किसी जमाने में पहलवान रहे मुलायम सिंह को एहसास हो जाना चाहिए कि अब उनकी उम्र हो चली है, बेटा उनकी छाया से बाहर निकल गया है। अखिलेश अब अपने पिता और चाचा के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। अब अखिलेश बड़े हो गए हैं और नेता बन गए हैं, और वो भी अपने दम पर। नेताजी के दिल में इस वक्त शायद यही कश्मकश चल रही होगी कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। बहुत धन्यवाद रतिभान जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव।